युवा क्रांती सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजल फारूक यांनी सर्किट हाऊस येथे घेतली आढावा बैठक. आज दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी दुपारी 5:30 अकोल्यातील शासकीय विश्रामगृह येथे युवा क्रांती सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अफजल फारूक यांनी युवा क्रांती सेनेच्या अकोल्यातील आपल्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांची आढावा बैठक घेतली. यावेळी युवा क्रांती सेनेचे विभागीय अध्यक्ष जावेद पठाण यांनी RTO बाबत उठवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या लढाईत आम्ही सर्व जावेद पठाण यांच्यासोबत असल्याचे सांगितले. या दरम्यान उडान बॉक्सिंग अकादमीच्या मुलांनी राज्यस्तरीय बॉक्सिंग स्पर्धेत 12 सुवर्ण व 7 रजत पदक प्राप्त केल्या अनुषंगाने त्या मुलांचाही शासकीय विश्रामगृह येथे बैठकीदरम्यान अफजल फारूक यांनी सत्कार केला. राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शकील अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष अफजल चौधरी, प्रदेश महासचिव आसिफ शेख, नागपूर अध्यक्ष SB अहमद, विभागीय अध्यक्ष जावेद खान पठाण, प्रदेश महासचिव शेख एजाज, प्रदेश महासचिव सय्यद नासिर, अमीन पटेल, सय्यद आरिफ, सज्जू भाई, अनवर शेख आदि यावेळी उपस्थित होते. संगठन के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी. हमारे युवा क्रांति सेना से उड़ान संगठन बॉक्सिंग एकेडमी के भी लोग जुड़े हुए हैं. हम उन बच्चों को उत्थान करने की कोशिश करते हैं. आप पीछे देखिएगा, यहाँ 19 बच्चे खड़े हैं. ये जब भुसावल में बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का अनाउंस हुआ और वहाँ चैम्पियनशिप की लड़ाई के लिए लोग अकोला से गए, तो ये 19 बच्चे उसमें से ये जीत कर आए, जिसमें 12 बच्चों को गोल्ड मिला, गोल्ड मेडल, और 9 बच्चे को सिल्वर मेडल, 7 बच्चों को. आज उन बच्चों को भी हमने यहाँ बुलाया है उनको सम्मानित करने के लिए. युवा क्रांति सेना उनको सम्मानित करेगी. एक्चुअल में युवा क्रांति सेना संगठन को लेकर लगातार चलती रही है उन कामों के लिए जिसमें ख़ास तौर से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या वो नॉन पॉलिटिकल मुद्दा जिसको पॉलिटिकल पार्टीज उठाती नहीं हैं. आज अकोला के अंदर में युवा क्रांति सेना बहुत अच्छा काम कर रही है. ख़ास तौर से RTO का मुद्दा है, आप लगातार देख रहे होंगे कि RTO के अंदर में हमारे पदाधिकारी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए चेष्टा करते रहते हैं. अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, देखा भी, आपके जानकारी में होगा कि RTO के मुद्दे पर हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने आत्मदाह करने की चेष्टा करी. मैं उसके फेवर में नहीं हूँ कि आत्मदाह करना कोई सोल्यूशन नहीं है. आप जिंदा रहेंगे तो ही आप लड़ाई लड़ सकते हैं. लेकिन उन्होंने जज्बात में आके ये काम किया. उसके बाद RTO ऑफिसर ने लगातार उनके पीछे पड़ी रही और उन पर पुलिस केस कर दिया कि हमसे आके चंदा उगाही करते हैं, जबकि ऐसा कहीं से साबित नहीं हुआ. एक महीने पहले की बात है जब जावेद पठान पे गुनाह दाखिल किया गया, नॉन बेलेवर वारंट निकाला गया, और ये किसी भी दबाव में मैडम और उनके शौहर, जो RTO मैडम है, उनके शौहर के खिलाफ हमेशा ये आवाज़ उठाते रहते हैं, तो इसलिए वो उनके पीछे पड़ी है. मैं आपके माध्यम से उन्हें चेतावनी देता हूँ कि ये ना समझे कि जावेद पठान या फिर अंसार अली यहाँ कोला के अंदर में अकेले हैं. हमारे साथ ही यहाँ बैठे हैं अफजल चौधरी, ये अमरावती के नगर सेवक हैं, शकील अहमद साहब ये बुल्ढाना से आए हैं, आसिफ भाई नागपुर से हमारे कई साथी, हम सारे लोग इनके पीछे खड़े हैं. अगर मैडम ने अपनी हरकतें बंद नहीं करी, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया, तो हम उनके खिलाफ़ पूरे महाराष्ट्र में उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे.